हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। यहाँ पर आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो क्या है, वो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें सभी एग्जाम्स जो करवाए जाएंगे, जितने भी एग्जाम अभी करवाए जाने हैं उन सभी एग्जाम्स के डेट दिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों को डेट पता चल रहा है, संभावित डेट है, लिखा हुआ है संभावित दिनांक है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस देखो, थोड़ा मोड़ा चेंज तो होता ही है हर बार हर एक एग्जाम का, लेकिन हो सकता है चेंज बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर जो है संभावित डेट जो दिया गया है वो देख लेते हैं। पूरा कैलेंडर जारी किया गया है और मेरे द्वारा नहीं है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले देखो, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, ये आपका संभावित डेट दे रखा है 8/10/2023, यानी 8 अक्टूबर 2023 को ये पेपर होगा, ये लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 वाली, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जिसका कई बच्चों को इंतजार है, उसका संभावित डेट दिया है 30/10/2023 से लेकर 4/11/2023 तक, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से होगा, कब तक, तो 4/11/4 नवंबर 2023 तक। ठीक है, किस चीज़ का है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का है ना। नेक्स्ट है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, वन सेवा की जो मुख्य परीक्षा है 2022 वाली, उसका 10 दिसंबर 2023 डेट दिया है, मतलब आने वाले 10 दिसंबर को आपका ये पेपर जो है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा का, ये 10 दिसंबर 2023 को हो जाएगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले आया MPPSC प्रीलिम्स का, जिसका किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा, बट वो आया है ना। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स जो MPPSC प्रीलिम्स 2023 का इसी साल करवाया जा रहा है, ठीक है। कब करवाया जा रहा है, 17 दिसंबर 2023 को आपका प्री का पेपर होगा, ये आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के लिए 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी इस वाले एग्जाम को लेकर ना, ये जो अभी हो चुका है इस वाले एग्जाम को लेकर एक जो हुआ था, मतलब हो चुका है जो एग्जाम ये वाला है ना, इसको लेकर अभी कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कुछ जांच वगैरह होने वाली मेडिकल बोर्ड की, ठीक है। चलो वो तो अलग विषय है, खैर उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसको भी देख लेना एक बार। यहाँ पर जो है इसका जो पेपर है 2022 का जो पेपर है, ये 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। कराधान सहायक परीक्षा 2022 ये होने वाला है 25 फरवरी 2022 को, कब होगा, 25 फरवरी 2022 को कराधान सहायक परीक्षा होने वाली है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, यानी कि ये जो तुम्हारा 17 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा MPPSC का हो रहा है ना, इसका जो मुख्य परीक्षा है ये तुम्हारा 11 मार्च 2024 से लेकर 16 मार्च 2024 तक होगा, है ना। 11 मार्च से 16 मार्च 2024 में ये होगा। दिसंबर 17 को तो तुम्हारा प्री का ही एग्जाम हो रहा है, तो मेंस का होगा तुम्हारा 24 में पहुंच जाएगा मेंस, है ना, पता ही है हमको। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 MPPSC 2024, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 28 अप्रैल 2024, अभी 17 दिसंबर को पेपर दे दो 2023 वाला, तुम्हारा 2024 वाला प्रीलिम्स जो है वो वो हो जाएगा 28/4/2024 को, यानी 28 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 26 मई 2024 को होने वाला है। सहायक संचालक ग्राम उद्योग हथकरघा 2023 ये 16/6/2024 को होने वाला है, 16 जून 2024 को होने वाला है। अब अपन थोड़ा नीचे देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पर जानने के लिए तुम्हारे, है ना। तो देखो और भी डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। यहाँ देखो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो तुम्हारा अप्रैल में जो प्री का होगा ना 2024 का, उसका मेंस का एग्जाम का भी डेट दिया है 22 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक। ये कौन से वाले का है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 कौन से वाले का है, ये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 वाले का मुख्य परीक्षा है। देखो यहाँ पर जुलाई में हो जाएगा, अप्रैल में क्या हुआ, प्री हुआ होगा, मतलब होगा, और जुलाई में मेंस हो जाएगा। अभी संभावित डेट है, ये सब पूरा डेट के साथ दे दिया है, महीना नहीं डेट दे दिया है।
खनि अधिकारी सहायक भौमिकविद ये 25/8/2024 को होगा, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 ये 17/11/2024 को। विषय वगैरह देख लेना है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो है ये पेपर होगा 17/11/2024। मोटा मोटी अगर अपन देखें इस पूरे कैलेंडर को तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अभी से लेकर पूरा 2024 का आधा अगर तुम ले लोगे, नवंबर तक का ले लोगे, आधा क्यों, पूरा ही हो गया ना, पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, पूरा कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है। और हो सकता है अभी व्यापम में भी कुछ कमिंग सून में दिखा रहा है, हो सकता है तुम्हारा एसआई का भी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ईएसबी के वेबसाइट में कुछ कमिंग सून करके है, अभी बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। अब क्या आने वाला है, क्या रह गया है, अभी पटवारी हो चुका है, कॉन्स्टेबल हो चुका है, रह क्या गया, एसआई रह गया है, तो हो सकता है कि एसआई का नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाए। आज मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 15 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगा, है ना, इस साल चुनाव है ना मध्य प्रदेश में, तो शायद 15 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगा, तो हो सकता है उससे पहले पहले तुम्हारा नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दे, ठीक है, भले ही पेपर नहीं होगा आचार संहिता के टाइम पे, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल देगा आगे के लिए कि कब पेपर होगा, चुनाव के बाद पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना, क्योंकि संभावित दिनांक दिया है, मतलब अगर आगे पीछे हुआ भी तो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत आप लोगों को जो है ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, थैंक यू सो मच।